हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट रेड सेल इंडिकेज। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रेड सेल इंडिकेज, इट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ आरबीसीज वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। ब्लड सैंपल डिटरमाइन के लिए हीमोग्लोबिन, पीसीबी और टोटल आरबीसीज काउंट किया जाता है। इनको कैलकुलेट कर ब्लड इंडिकेज निकाला जाता है। ओके, ब्लड इंडिकेज वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी एंड आरडीडब्ल्यू। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एमसीबी। लेट्स स्टार्ट नाउ। मीन सेल वॉल्यूम, ओके, एमसीबी। तो एमसीबी को हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सेल किया है, सेल भी बोल सकते हैं और कॉर्पस्कुलर भी बोल सकते हैं। मेन सेल वॉल्यूम या मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ओके। इट इज द मेजर ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज। एमसीबी इज अ मेजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ द रेड सेल्स एंड इट इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच रेड सेल्स। एमसीबी इज एक्सप्रेस्ड इन फिंटोलीटर्स एंड इट करस्पॉन्ड्स विथ रेड सेल्स डायमीटर ऑन ब्लड स्मियर। नॉर्मल एमसीबी इज 80 to 100 एफएल पेंटोलीटर। मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम रेड सेल्स एवरेज या उसकी मात्रा है। इसे ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, या इसका कैलकुलेशन हेमेटोकिट और रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग से भी की जा सकती है। तो इसे हम एफएल या फेंटोलीटर से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 80 से 100 होती है, फेंटोलीटर होती है, ओके। इसका सूत्र होता है एमसीबी इक्वल टू पीसीबी इंटू 10 या एससीटी। पीसीबी की जगह एससीटी भी हो सकता है, एससीटी या पीसीबी इंटू 10 अपॉन आरबीसी, ओके। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एमसीबी इक्वल टू पीसीबी इंटू 10 अपॉन आरबीसीज। यदि पीसीबी इक्वल टू 45%, आरबीसी इक्वल टू 5.0%, 0 मिलियन। अब यहाँ पे हम रख देंगे एमसीबी इक्वल टू पीसीबी 45 है इंटू 10 एंड आरबीसी हमारा 5 मिलियन है, ओके। एंड एमसीबी इक्वल टू 450 अपॉन 5, एमसीबी इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 90 फिंटोलीटर, ओके। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड एमसीबी। किस कारण हमारा एमसीबी इंक्रीज होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारण हमारा एमसीबी इंक्रीज होता है। एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटोसिस, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, लीवर डिसीज, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड रेटिकुलोसाइटोसिस के कारण भी होता है, एंड न्यू बॉर्न में भी होता है। अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ लो एमसीबी। लो एमसीबी का क्या कॉजेज होता है? उसके लिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया सच एज थैलेसेमिया के कारण हमारा जो एमसीबी काउंट होता है वो लो हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं एमसीबी इंक्रीज्ड की कंडीशन में इस तरह की हमारी सेल्स होती हैं। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप लैपटॉप से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस कुछ इस तरह की हमारी सेल्स दिखेंगी। और यदि एमसीबी हमारा डिक्रीज होता है तो इस तरह छोटी छोटी सेल्स दिखेंगी ये, ओके। नेक्स्ट है मेन सेल हीमोग्लोबिन, एमसीएच। एमसीएच इज द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ सिंगल रेड सेल। इट इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग हीमोग्लोबिन वैल्यू बाय रेड सेल काउंट। एमसीएच इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम्स और पीजी। रेफरेंस रेंज इज 27 to 32 pg, ओके। तो मेन कॉर्पस्कुलर सेल हीमोग्लोबिन जो हमारा है तो वो सिंगल रेड सेल्स होता है जो कि डिवाइड हीमोग्लोबिन में डिवाइड होता है। एमसीएच को हम पिकोग्राम्स के द्वारा हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 27 to 32 pg होती है, ओके। इसका सूत्र होता है एमसीएच इक्वल टू एचबी
ग्राम पर डेसीलीटर इनटू 10 अपॉन आरबीसीज काउंट। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया के कारण हमारा एमसीएच इंक्रीज होता है, एंड हाइपोक्रोमिया के कारण हमारा एमसीएच डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यदि एचबी हमारा 14 ग्राम एंड आरबीसी 5.0 मिलियन हो तो हम सूत्र रखेंगे एमसीएच इक्वल टू 14 इंटू 10 अपॉन 5, एमसीएच इक्वल टू 140 अपॉन 5, तो इससे हम भाग दे देंगे 140 अपॉन 5, तो हमारा आ जाएगा 28 पिकोग्राम। ओके, यदि हमारा एचबी 14 ग्राम एंड आरबीसी 5.0 मिलियन होता है तो हमारा पिकोग्राम 28 PG होता है। ओके, नेक्स्ट, मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन MCHC, इट इज द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट्स। MCHC इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वैल्यूम। MCHC इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग हीमोग्लोबिन वैल्यू बाय PCB एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीलीटर या ग्राम पर डीएल। रेफरेंस रेंज जो होता है 30-25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जो हमारा एमसीएससी होता है वो इरिथ्रोसाइट्स में कंसंट्रेशन होता है, एंड इसका इंडिकेशन अमाउंट पर यूनिट ऑफ ब्लड होता है। अमाउंट में हीमोग्लोबिन के पर अमाउंट या पर यूनिट में ये प्रेजेंट होता है। पीसीबी इसे हम ग्राम पर डेसीलीटर से एक्सप्रेस करते हैं एमसीएससी को, एंड इसका रेफरेंस रेंज जो होता है 30-25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ओके, इसका सूत्र होता है एमसीएससी एचबी ग्राम पर डेसीलीटर इनटू 100 अपॉन एसएटी या पीसीबी परसेंट में जो होता है। अब यहाँ पे हम सूत्र रखेंगे एमसीएससी इक्वल टू 15 इनटू 100 अपॉन 45, MCHC इज इक्वल टू हमारा 33.33 आएगा। ओके, अब देख लेते हैं इंक्रीज, यदि हमारा MCHC इंक्रीज होता है तो कैसा दिखेगा। हमारा माइक्रोस्कोप से दिखने पर तो कुछ इस तरह का दिखेगा, MCHC यदि इंक्रीज होगा एंड ये डिक्रीज का है और ये इंक्रीज का है। ओके, कॉजेज ऑफ MCHC इंक्रीज, तो ये कुछ बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई देती हैं, एंड यदि हमारा डिक्रीज होता है तो छोटी सेल्स हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, RDW, इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएशन इन रेड सेल साइज इन अ ब्लड सैंपल अमोंगेस्ट माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये RDW जो होता है तो हमारा जो बहुत सी सेल्स होती है उनकी साइज के अमोंगेस्ट होता है। लो इन RDW इज लो इन बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में हमारा RDW लो हो जाता है। टायर्ड हाई इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी की प्रेजेंस में हाई हो जाता है RDW। इसका जो नॉर्मल रेंज है तो 9.0 से 14.5 तक होता है। ओके, थैंक यू गाइस, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।